अरे ये गिर गया। इस तरह के लोग यहां होने ही नहीं चाहिए। अरे सर, अरे सर, अरे सर, आप यहाँ ऐसे पैसों को मत रखिए। इस दुनिया में बहुत सारे चोर भरे पड़े हैं। आप समझो, देखो, वो पैसे चुरा सकते हैं। देखिए सर, ये लीजिए, आप अपने पैसों का ख्याल रखिए, ज्यादा नहीं लेकिन काम आएंगे। It's occupied. लेकिन सर यहाँ तो जगह खाली है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, ये ऑक्यूपाइड है। खुश, बदबू आ रही है। हमारी जॉब छीनने के बारे में सोचना भी मत। हेलो, मैं यहां पर एचआर हूं और मैं इंटरव्यू लूंगा। गुड, आपसे मिलके खुशी हुई। मेरा नाम एमिलिया टॉरेस है। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। मेरा नाम है डिएगो रुइस। नाइस टू मीट यू। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? इट्स ओके, इट डज नॉट मैटर। हेलो, मेरा नाम दांते है। आप शायद से सॉरी दोस्त, शायद तुम मुझे कोई और सोचकर कंफ्यूज हो गए। वेल, एज यू नो, आप सब यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं इस कंपनी के मैनेजमेंट पोजीशन के लिए। इस साल हमने डिसाइड किया है कि हमारा एक एम्प्लॉय हमारे पूरे स्टाफ में से बनेगा न्यू मैनेजर। वेल, और ज्यादा बात ना करके आई इंट्रोड्यूस यू टू, ये हैं एमिलिया टॉरेस। ये लगातार 3 साल से हेड ऑफ द सेल्स हैं। इनका करिकुलम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये हैं डिएगो रुइस। ये एक ब्रिलियंट अकाउंटेंट हैं और इनका बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अब्रॉड करियर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये हैं दांते विजालबा, और ये इंचार्ज हैं द डिपार्टमेंट ऑफ क्लीनिंग। वेल वेल वेल, या आई एम सीरियस। ये वहां पर 4 साल से हैं। एक बहुत ही कंपनी के बेस्ट कंपेनियन है। और स्ट्रॉन्ग विथ यू, प्लीज बी सीरियस। गुड, आप एक दूसरे को जान लें। सी यू इन अ फ्यू मिनट्स इन माय ऑफिस। मेरा ऑफिस इस तरफ है, वहां ऊपर। सच में एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करने आया है, तुम्हें देख के मुझे तुम पे दया आती है। ऑनेस्टली बताऊं, तुम यहां पर कर क्या रहे हो? चले क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती?
और इतना ही नहीं, तुम तो एक फटा पुराना बच्चों वाला बैग लेकर आए हो। क्या यार। मेरे लिए आप लोगों के साथ काम करना एक सम्मान की बात होगी। कितना अच्छा है। वेलकम, प्लीज टेक द सीट। मिस्टर रूइस, टेक द सीट। मिस्टर दांते, प्लीज कम, प्लीज टेक द सीट। थैंक यू सर। वेल, मुझे उम्मीद है कि आप ये डिलीशियस स्नैक एंजॉय करेंगे। तो अब आप सभी इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाइए। इज दैट क्लियर? क्या तुम नहीं खाओगे? ये तो कंपनी का अपमान हुआ। तुम्हें यहां अंदर किसने आने दिया? ठीक है, रिलैक्स कीजिए सर। सर, परेशानी के लिए मैं माफी चाहता हूं। क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? नहीं, यहां खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वेल, खाने को कुछ है तो मैडम, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हैं? मुझे सच में बहुत भूख लगी है। हाँ बिल्कुल, देती हूँ खुशी से। डिस्गस्टिंग बूढ़े आदमी, गेट आउट। मुझे माफ कीजिएगा सर। रुकिए सर, आइए, लगता है कि आपको बहुत भूख लगी है। ये लीजिए सर, ये खाइए सर। आप प्लीज चले जाइए यहां से, वरना सिक्योरिटी गार्ड्स आ सकते हैं और आपसे बुरा व्यवहार कर सकते हैं। आप चले जाइए। शुक्रिया। वाह वाह, तुम अपने इस उदार मन का क्या करोगे? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये गरीब लोग सारे अंदर आ जाएंगे और फिर हम रिस्क में पड़ जाएंगे। इसमें क्या हुआ मैडम, और आप क्या रिस्क बोल रही हैं? वो सिर्फ एक इंसान था जो कि भूखा था। श्श।
ओके, लेट्स कंटिन्यू। मैं तुम सबसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तुम में से किसी ने भी अगर गलत उत्तर दिया तो वो ऑटोमेटिकली इस इंटरव्यू से आउट हो जाएगा। वेल, तो क्वेश्चन ये है, क्या आप खुद को एक अच्छा इंसान मानते हो और क्यों? तो पहले आप शुरू करें एमिली। मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक बहुत अच्छे स्कूल में डाला था और मैं ऑनर्स में ग्रेजुएट हुई हूँ। और मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ। आई डोंट मेस विथ एनीवन, इसलिए मैं प्रॉब्लम में नहीं पड़ती। और मैं एक बहुत अच्छी दोस्त हूँ। दैट्स इट। तो नेक्स्ट है मिस्टर रूइस। मैं अपने आप को एक बहुत ही अच्छा इंसान मानता हूँ क्योंकि मैंने बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। थैंक्स टू दैट, जिसकी वजह से मैं अब्रॉड में बहुत ही सक्सेसफुल रहा हूँ। आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, मुझे किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं हर संडे को चर्च भी जाता हूँ। तो अब मिस्टर दांते की बारी। थैंक यू सर। खैर, सच तो ये है कि मैं खुद को पूरी तरह से एक अच्छा इंसान नहीं मानता हूँ, और सच ये है कि मैं बिना बाप के बड़ा हुआ हूँ और मेरी माँ ने मुझे पालने में अपनी पूरी कोशिश की। खैर, लेकिन सर, मेरी उम्र के बावजूद मुझे एक स्थिर नौकरी मिली और मेरी पढ़ाई, मेरे कॉलेज का खर्च, लेकिन ठीक है, यही जीवन है और ये मैं हूँ और ये सब करने में कामयाब रहा। मुझ में कुछ तो अच्छा होगा। गुड। आप सभी के आंसर्स को सुनने के बाद आई एम सॉरी टू टेल यू कि मिस एमेलिया एंड मिस्टर डियागो, आप दोनों डिसक्वालिफाइड हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? चीकी, ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इस रूम में सबसे क्वालिफाइड सिर्फ मैं हूँ। क्या तुम पागल हो? ज्यादा बोल्ड मत बनो, मैं बेस्ट हूँ, उन्हें मुझे हायर करना चाहिए। ओ, तुम अच्छा। क्या तुम मेरे साथ पंगा ले रहे हो? चलो आ जाओ। मैं तुम्हारे जैसा नीच नहीं हूँ। सब शांत। अब मुझे तुम समझाने दो। अब सुनो, इस कंपनी में मैनेजर बनने का टेस्ट उस समय से ही शुरू हो गया था जिस समय से तुम लोग यहाँ पर आए थे, समझे तुम लोग? पहला टेस्ट है ईमानदारी, ये देखने के लिए कि आप में से कौन कितना ईमानदार है। और दोस्तों, तुम दोनों, ये कितने दुख की बात है। और सड़क पर वो गरीब, उसके पैसे चुराए, तुम्हें ऐसा करने का कोई अफसोस तक नहीं। और तुम लोगों की जानकारी के लिए ये मैं बता दूं कि वो गरीब मैं ही था। सम्मान तुम्हारा दूसरा टेस्ट था। एक चीज दिखाऊं, ये देखो। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, आप लोगों का दूसरा टेस्ट सम्मान था, समझे? हाँ, तो मैडम, आपने पॉइंट्स कमाने के लिए कंपनी के भरोसेमंद आदमी को आपने बहकाने की कोशिश की। और इसके अलावा आपने इस इंसान का मजाक उड़ाया, वो भी केवल इसलिए क्योंकि वो सफाई डिपार्टमेंट से है। आप लोगों का यह बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं। और इन कारणों से मिस्टर दांते, आपको हमारी इस कंपनी में मैनेजर चुना है क्योंकि आपने टेस्ट पास किए। मुझे तुम पर बहुत बहुत गर्व है।
और बड़े अफसोस के साथ तुम दोनों को निकाल दिया गया। नहीं प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। सर प्लीज, मैं समझ गया हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए, क्योंकि मुझे इस जॉब की बहुत ही सख्त जरूरत है। सर क्या मैं सच में नया मैनेजर हूँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका आभारी हूँ सर। खैर सर, अगर मैं आपका मैनेजर हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि ये दोनों मेरी टीम का हिस्सा बने। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस बात का सम्मान करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम कंपनी के लिए सबसे अच्छा डिसीजन ही लोगे। सर सच में मैं मानता हूँ कि हमने पहले बहुत सारी गलतियाँ की हैं, पर मैं आपको ये लौटाना चाहता हूँ, ये आपका है सर। मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। रिलैक्स, मुझे भी तुम दोनों पर भरोसा है कि तुम लोग बदलोगे। थैंक यू। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपके लिए हमेशा बेहतरीन रास्ते खुलेंगे। हमेशा हर बात पर आभारी रहें। जो इंसान विनम्र, सरल और उदार रहता है वो कभी किसी से खुद को बेहतर महसूस नहीं करता। और याद रखें, आप रोज सभी से कुछ न कुछ जरूर सीख सकते हैं।